तैयार नहीं हुआ, लड़के लेट होते गाइस, लड़के ऑलवेज लेट। पानी दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका मिनी ब्लॉग बना करके डाल दिए हैं। आप लोग लाइफ दुनिया सर्च कीजिए और वहाँ देखिए, उसके बाद हम जानिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये हम लोग हाईवे पर पहुँच गए और यहाँ पर हम लोग अपने धनों में तेल डालते हैं। और ये जंगल की ओर होते हुए मस्त क्या सीन है, देख सकते हैं आप, घनघोर जंगल और रास्ते। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जय माँ भद्रकाली, और ये मेन गेट से अंदर हम लोग भद्रकाली मंदिर पहुँच गए। अब हम लोग अपना प्रसाद लेंगे और पूजा करेंगे। अब हम लोग थोड़ा जल से अपने हाथ को शुद्ध करेंगे और यहाँ से प्रसाद लेंगे। और प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग जाते हैं मंदिर की ओर माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, हम लोग मंदिर पहुँचे तो ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है एकदम मेन गेट से लेके पीछे तक। यहाँ पे जल है, वहाँ से हम लोग अपने पैर धोते हुए निकलते हैं और अब हम लोग भी लाइन में लग गए। और ये देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है। और अंदर जा कर के हम लोग पूजा किए और यहाँ पे नारियल फोड़े बाहर आकर के। नारियल फोड़ने के बाद हम अपने दोनों गाल पे राधे राधे लिखवाया। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और हम तीनों ने चंदन का टीका भी लगवाया और गाल पे राधे राधे लिखवा के हम लोग तीनों का फोटो देख सकते हैं आप। मधुमक्खी का छत्ता है पूरा, बस गोल गोल मंदिर के ऊपर। जब हम लोग आए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ था, देख सकते हैं भीड़ था, पूरे लाइन में लगे हुए, लाइन में लगते लगते फर्श बिछा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक भीड़ था, वो भी एक लाइन का नहीं तीन तीन लाइन का भीड़ था। तो किसी तरह हम लोग पूजा हो गया, बहुत अच्छा से पूजा हुआ। सोम और काम में तब तक हमारा पूजा हो चुका है और अब हम यहाँ पर सब अंदर के मंदिर का दृश्य दिख रहा है बाहर से। अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, मोबाइल ले जाना, फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है। तो हमारा पूजा हो चुका है और हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। बाहर आकर फोटो क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, महायज्ञ। अब हम लोग मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर आए तो हम लोग को मिरर दिख गया, थोड़ा हम लोग अपना चेहरा निहार लिए मिरर में। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए और यहाँ पे थोड़े गपशप भी किए हम लोग। दोस्तों, सबसे मेन बात ये है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आइए तो 12 बजे के पहले आइए, क्योंकि 12 बजे यहाँ गेट बंद हो जाता है, माता रानी का द्वार बंद हो जाता है, फिर 2 बजे खुलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम लोग अपना खाना का वेट कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में हमारा खाना भी आने वाला है। यहाँ पे मस्त मस्त पूरी और सब्जी और जलेबी हम लोग खाएं, जो हमारे रिश्तेदार का ही ये होटल है जो मंदिर के
लेफ्ट साइड में है निकलते हुए, ये जितेंद्र होटल है। और सब बढ़िया, आप लोग यहाँ आइए तो यहाँ का खाना जरूर खा के जाइए, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी कहना नहीं है। फिर दोबारा आने का मन करेगा तो इसी होटल में आप खुद खा के जाइएगा। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए गुपचुप खाने के लिए। यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि ये भैया तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हमारा वीडियो देखते हैं। पेट तो हमारा भरा हुआ था, लेकिन हम लोग बाहर निकले और गुपचुप ना खाए ये हो नहीं सकता है। और ये भैया तो हमारे सब्सक्राइबर थे, तो हम लोग यहाँ से और एक्स्ट्रा खा के गए। और गुपचुप बहुत टेस्टी था। और ये गुपचुप का ठेला का नाम है सुमित चाट भंडार। तो आप लोग जब भी भद्रकाली आइए तो सुमित चाट भंडार से गुपचुप जरूर खा के जाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। फाइनली दोस्तों, पूजा करते हुए खाते पीते हुए अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पूजा करके, एकदम मन को शांति मिलता है। आप लोग भी आइए इस मंदिर में पूजा कीजिए। अब हम लोग हजारीबाग पहुँच गए, यहाँ पे हम लोग नारियल। अब फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।